कह रही है कि मैं घर जमाए रखना चाहती हूँ, अगर वीडियो बना लेना तो उसकी कहेंगे बेटा बिल्कुल आइए। तो या तो अपने पापा को बोल वो दिल्ली शिफ्ट हो जाए, अच्छा। या मैं बरेली शिफ्ट हो जाओ। मैंने पापा तो हो नहीं सकते, तुम हो जाओ। तो कह रहे फिर अपने पापा को पूछ मुझे घर जमाए रख लेंगे। क्यों तुमसे वेज नहीं खाया जा रहा था, नॉन वेज ले आयो? तुम्हारे अलावा भी और लोग हैं मेरी मदद करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है साजिश शाहिद और मेरा नाम है शिल्पा। तो ये व्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने ससुराल। साजन चले ससुराल। तो यार राखी है, राखी पे लेके जा रहा हूँ शिल्पा को बरेली। और बहुत सारे लोग ना मैसेज करके बोलते हैं कि आप नहीं जाते हो, शिल्पा अकेले जाती है घर पे, शायद आप लोगों के जो मेरे इन लॉज के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। तो इस व्लॉग से सबकी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, आपको देखने को मिलेगा कि भाई मेरे शिल्पा के घर में कैसे रिश्ते हैं और कैसे हम लोग रहते हैं। अब मेरा फ़र्ज है यार, उस राखी है और शिल्पा को मैं लेके जाऊँ ताकि अपने भाई को राखी बांध पाए। और हम लोग आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, कल राखी है और परसों वापस आ जाएंगे। और शहर को हम लोग अभी रास्ते से पिक करने वाले हैं, वो स्कूल से आने वाली है, दादी उसे हमारे पास ड्रॉप कर देंगी, हम निकलेंगे एंड परवेश जी हमारे साथ जा रहे हैं एज यूजुअल। और बिफोर ऑल ऑफ यू आस्क कि आपका क्यूट सा बेटा क्यों नहीं जा रहा है, तो आज शहर और साहिर राखी मना चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने, इसलिए साहिर रहेगा घर पे। छोटू सा है यार, एक दिन में इतना ट्रैवल नहीं कर पाएगा। दिक्कत क्या है कि खाली होता है यार, सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी ससुराल इतनी दूर है ना कि ये इसमें ना एक टैंक यहाँ से भरा के जाओ और वापसी में आते हो आधे रास्ते फिर बनाना पड़ता है। कितने किलोमीटर चल गई भाई बताइए जरा, टैंक फुल कराया था परसों? 350 किलोमीटर। बताओ मतलब 6,000 रुपए में 350 किलोमीटर गाड़ी, कोई तुक बनता है? अलग ड्रामा है यार इसका। चलो चलो नौटंकी नहीं करो, चलो पेट्रोल पंप चलो, मैं डलवा देती हूँ। पेट्रोल भी ले लिया है भाई। यार जीवन में ना मैंने एक चीज तो सीख ली है कि अपने खर्चे कम करने से ज्यादा आसान है इनकम को बढ़ाना। और इनकम बढ़ाने के लिए आप पायलट भी बन सकते हो जैसे कि मैं बना हुआ हूँ। तो मैं एक गेम खेलता हूँ जिसमें प्लेन उड़ाना होता है और प्लेन जितना ऊंचा उड़ता है उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, प्लेन क्रैश होने से पहले कैसे आउट कर लेना है। तो इसमें आप गेम खेल के आराम से 30,000 से 50,000 रुपए महीने के बना सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है cashcrash.io, जाओ वहाँ खेलो, बहुत आसान है। UPI के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो और अपनी अर्निंग्स को विड्रॉल भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो भाई मैं जा रहा हूँ बरेली और तुम खेलो cashcrash.io पे, मजे करके प्रॉफिट बनाओ। दिल्ली से निकल गए हम बरेली के लिए, रास्ते में रुके हम मैकडी से, शहर को दिलाया हमने मैकडोनाल्ड क्योंकि उसको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और ये देखो फ्रेंच फ्राइज ठंडे कर करके खाती है, इसी के आगे। किसने सिखाया आपको ये? मेरी दादी ने। मेरी दादी ने? वो तो मेरी मम्मा है, आपकी दादी थोड़ी है। मेरी मम्मा है वो, बोल दो ना आपकी मम्मा है तो क्या, मेरी भी तो दादी है। मेरी भी तो दादी, आपकी मम्मा है तो क्या। वैसे यार मैं बरेली ना बार बार क्यों नहीं जाता, आपको सच बताता हूँ। आज एक बात बिल्कुल सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बरेली जाना नहीं चाहता हूँ, बट सच्चाई है कि दिल्ली से बरेली ऑलमोस्ट 5 घंटे का रास्ता है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो नापसंद चीज़ है वो है ट्रैवल करना वाया कार, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ जाना। फ्लाइट से चल लिया करो। फ्लाइट से चल सकते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि यार 5 घंटे गाड़ी में बैठ के अब क्या करोगे, बोर हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरा मेन रीज़न है मैं बरेली नहीं जाता हूँ। यूजुअली आई वुड लव टू गो बरेली, मुझे अच्छा लगता है शिल्पा के पापा से मिलना, इसकी फैमिली से मिलना, और वो जो बरेली आते हैं तब तो खैर मिलना होता ही है। तो प्लेन से भी दिक्कत है हमारे घर से एयरपोर्ट, एक घंटा पहले हम निकलेंगे, 2 घंटे, आधा घंटे एयरपोर्ट पर रहेंगे, 2.5 घंटे, आधे घंटे की फ्लाइट, 3 घंटे, फिर वहाँ निकलेंगे सेम टाइम। तो ठीक है फिर कार से जाओ, तुम चलानी थोड़ी पड़ रही है। इट्स नॉट अबाउट द डिस्टेंस, आई थिंक अपने साथ शिफ्ट कर लेती हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। पापा को शिफ्ट कर लो, नहीं तो मेरे को शिफ्ट कर लो अपने घर। एक ही बात है, जैसे तुम्हें पसंद। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा खर्चा वर्चा कौन उठाएगा? मेरे पापा उठा लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बहुत खर्ची लाऊं मैं? पक्की बात है? पूछ तो दी उनसे पहले, पूछने की जरूरत ही नहीं। तो मैं बोलूंगा कि शिल्पा कह रही है कि मैं घर जमाए रखना चाहती हूँ, अगर वीडियो बना लेना तो उसकी कहेंगे बेटा बिल्कुल आइए। मैं बोलूंगा उनको कि शिल्पा ने बोला है घर जमाए बन के रह जाओ, मैं पूछूंगा उनसे, देख और मना कर दिया तेरे मुँह पे तो करूंगा काम क्या करूंगा, मैं भट्टा चलाऊंगा उनका। वेट है, साजिद ईट सेंटर क्या रखे भट्टे का नाम, क्या रखे? जाते जाते एक ईंटों के भट्टे का मालिक बन जाऊं और हो सकता है मैं आपको ईंटें बेचता हुआ दिखूं।
तो शहर मेरे लिए लेके आई मैक पफ और आप ये बता रहे हो एक घंटे के बाद जब ये हो चुका है ठंडा, ऐसा क्यों शहर? अब मैं ठंडा खाऊं? वेरी गुड वेरी गुड सर. Who taught you this? You know everything. क्या हर टाइम पापा को कॉपी करती रहती हो शहरू? तो मेरी हेक्टर है ये बेसिकली, मैंने ली थी हेक्टर कार सिर्फ इस लड़की की वजह से ताकि इसको अच्छे से स्पेस मिल जाए आराम से सोते हुए जाए. बाकी एक इसकी एमआई जाती है जो लोन की है और दूसरी इसकी एमआई जाती है जो पेट्रोल की है. तो दिस इज एमजी हेक्टर बेसिकली, बट मेरे बच्चे खुश हैं. तो जी रुक गए हम एक होटल पे, यहाँ से मिले ना पानी और थोड़ा सा होना है हल्का. हल्का मतलब बेटा यहाँ पे हम गाड़ी का जो हमने अभी तक खाया पिया है जो कचरा डाला है उसको हम डस्टबिन में डालेंगे. यस और यहाँ पे तब तक शहर और शिल्पा झूला झूल रहे हैं. चले हम बहुत देर से झूला झूल रहे हैं. पापा लग जाएंगे. मधु का घर ज्यादा पसंद है कि नानू का? नानू का. तो फिर आपको बरेली छोड़ दे परमानेंट? नहीं मुझे अपना घर पसंद है वैसे ही. तो अभी तो आपने बोला नानू का घर ज्यादा पसंद है. पापा बेटा नॉर्मली पूछ रहे हैं फेस्टिवल्स के लिए जाते हैं नानू. अच्छा नानू घर सिर्फ फेस्टिवल, बाकी आपको कौन सा घर? फेस्टिवल्स के लिए जाते हैं नानू के घर. और बाकी टाइम? बाकी टाइम तो दिल्ली में जाते थे. शहर हम पहुंच गए नानी हाउस. शहर फाइनली वी आर नानी हाउस. चलो उतरे. चलो 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 चलते हैं फटाफट चलते हैं जल्दी जल्दी. पहुंच गए भाई साहब हम बरेली. गाड़ी लॉक हो गई भाई, मैं कैसे करूं? कहां आ गए? बरेली थोड़ी बलेली लीली. वो डालो ना, ये बरेली का पॉपुलर समोसा चलता. हां वही है. पक्की बात? हां चल ठीक है. देख रहे हो आज कैसे वक्त बदल जाता है. आपको पापा जो बैठ के खाती है वो सर्व कर रही है आज. ये कह रहे थे, मैं बोल रही थी तुम इतना नाटक क्यों करते हो बरेली आने में हर बार? तो कह रहे थे मैं नाटक नहीं करता हूँ, ये 5-5 घंटे आना जाना ना मेरे से होता नहीं है. तो या तो अपने पापा को बोल वो दिल्ली शिफ्ट हो जाए या मैं बरेली शिफ्ट हो जाऊँ. मैंने पापा तो हो नहीं सकते, तुम हो जाओ. तो कह रहे फिर अपने पापा को पूछ मुझे घर जमा ही रख लेंगे. देखा शर्त लगी थी हमारी कि पापा से पूछ. मैंने कहा मैं और पापा एक ही है, मैं जवाब दे तुम तो हंस रही हो. तो ठीक है फिर कल ट्रेनिंग ले लेता हूँ मैं ईंटें बनाने. तुम क्यों हंस रही हो इतना? कल जाके पट्टे पे थोड़ी मिट्टी से ईंटें बना के. अच्छा वो अपने स्टाफ को बताएगा कैसे कैसे भर्ती है. खुद भी तो आना चाहिए ना. कुछ नहीं आना चाहिए सर, तो मार्केटिंग तू देख लियो ना. जहाँ दिमाग नहीं चलता वहाँ बैठा चलता. क्या कह रहे जहाँ दिमाग नहीं चलता वहाँ? तुम क्यों हंस रही हो भाई? तुमको क्या हो गया? नानू ने कोई जोक कर दिया क्या? है सबको देख के हंसती है. नानू ने कोई जोक किया है क्या? से स्टॉप इट. चलो जल्दी खाओ. खाना तो खा लो. तो नानू तो कह रहे हैं पापा को यहीं रख लेंगे अब बरेली. क्या करें फिर? हाँ सर अभी यहीं बरेली रह जाए नानू के पास. बोलो आपका भी एडमिशन यहीं करा देना आयशु के स्कूल में. नहीं फिर बरेली रुक जाए. दिल्ली में करवाएंगे एडमिशन आपके. दिल्ली में करवाएंगे एडमिशन. ऐसा होता है जब नॉन वेज वालों को वेज खाना होता है तो इतना खाते हैं. हाँ ये नाम ही करते हैं खाना खाने में. रोटी खाऊंगा ना चावल थोड़ी खाऊंगा. Happy birthday.
बज रहे हैं रात के 3, तो गपशप करने के बाद, खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने गए और हम अपने रूम में आ गए हैं। ससुराल में ज्यादा खातिरदारी हो गई क्या? सही में यार पेट भरा पड़ा है मेरा, इतना फूल रहा है ना पेट, मैं मेरे को नींद नहीं आ रही, इतना ज्यादा खाना खा लिया आज मैंने। तो हम यहाँ आए थे रात को 8 बजे, हमने 8 बजे आते ही हमारा स्वागत किया गया समोसे से समोसे के साथ ड्राई फ्रूट के साथ नमकीन, और फिर इसने बना दी कोल्ड कॉफी, दूध भी चला गया साथ में। और यूजुअली हम लोग घर पे अपने कर लेते हैं दिल्ली में 8:30 to 9 के बीच में डिनर, तो यहाँ आए हम लोग पहुंचे 8:30 बजे, तो 8:30-9 बजे के बीच में धर ढेपे लाए समोसा समोसे के साथ इसके पापा ने पकड़ा दिए बादाम, पहले हमने फिर खाए हमने बादाम, उसके बाद हमने एक पकड़ा दिया गया अतरंगी सा बिस्किट, फिर हमने खाया बिस्किट, उसके बाद हमने फिर कोल्ड कॉफी पता नहीं कौन से दूध की थी। सो इन शॉर्ट उसके बाद हमने 10:30 बजे करा डिनर, है ना, और डिनर में भी खा लिया दाल चावल बैगन आलू मशरूम मटर। अच्छा तुम्हें लगता है जिस दिन नॉन वेज नहीं खाता उस दिन मुझे थोड़ी एसिडिटी और गैस बनती है? क्या करूँ, इतना खा लिया है मैंने जितना मैं 3 दिन में नहीं खाता, ये मतलब यहाँ मेरे लिए आके खा लिया है मैंने। मेरे को लग रहा है भाई ये वेज की वजह से हो रहा असर। कोई बात नहीं, सावन खत्म हो रहे हैं, कल राखी है, कल तुम्हें नॉन वेज मिलेगा भर भर के। फोटो दिखा रहे सबको, क्या कहते हैं उसे, लास्ट में जिस दिन साड़ी पहन के जाते हैं फेयरवेल का दिन था, तब मेरी मम्मी ने ये फोटो खींची थी, और ये यहाँ टंगी है, तब से फ्रेम खाली है। और यहाँ पे एक फोटो है, ये मैं हूँ, मेरा भाई है और मेरी बहन है, ये मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह की फोटो है, ये जो पार्टी हुई थी, समझे तुम, जो मैंने तेरे को गिफ्ट किया था। हाँ, सो अब मनु आई थी तब, हाँ तनु एड मनु वाला सूट है, तो चंडीगढ़। अब साजिद जी सोए, रात के 3 बज गए, सुबह पापा उठा देंगे, बेटा उठो। और पता है पापा राखी के दिन कैसे उठाते हैं, बाहर टीवी पे गाने चलाते हैं बचपन से, बहना ने भाई की कलाई पे, पूरी उम्मीद है मेरे को नहीं उठाएंगे, तुम्हें तो 10-12 बजे तक भी नहीं उठाएंगे, हमें उठा देंगे, उनको पता है उनका दिमाग कितनी मेहनत करता है, काम करता है, मेरे को नहीं उठाते हैं। ये मेरी शोनी भी सो रही है। चलो गाइस अब हो गई है रात, 3 बज गए, 5 घंटे तो सो जाओ, सुबह सुबह पापा उठा देने वाले हैं, तो सोए जी। मैं तो आराम से सोऊंगा, मेरे को कोई ना उठाएगा, इन्हें कोई नहीं उठाएगा, हमें तो उठाएगा। चले सोते हैं, सुबह उठ के होंगे तैयार और मनाएंगे राखी। चलो गुड नाइट गाइस। तो सैर तो हो गई है रेडी, और मम्मी जा रही है पार्लर रेडी होने, अभी कुछ रह गया लिपस्टिक और मेकअप पाउडर और लिपस्टिक। अरे आपको मेकअप की जरूरत नहीं बेटा, यू आर ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल। हां हां, लिपस्टिक लगा, फेस्टिवल में लिपस्टिक लगा सकते हैं। आपके पापा नहीं बचा के रखे हैं आपके, इतने बड़े बाल ये, नहीं तो दादी और मम्मा मिलकर कब का कटवा रही थी, मम्मा को जबरदस्ती दादी के साथ लपेटे में, नहीं दादी कटवाती है। पापा ने बचाए आपके हेयर, मालूम है आपको, ऐसा बैग भी ले लो फिर मम्मा से। बस बस, डोंट पीप इनटू माय बैग, बैड मैनर्स, पीप 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 पीप, बैड मैनर्स। अच्छा अपने अपना सूट तो दिखा दो प्रॉपर्ली कैसा है। वाओ, बैठो जल्दी भाई, नीचे को दिख रहा है ना, चल ये शिल्पा की है, अभी एक ही रख के ना भाई, एक शिल्पा की एक गाय की। अच्छा जी, दो उसकी गाली चल पड़ी है।
और राखी बन चुकी है भाई साहब, अब थोड़ा खाया जाएगा। हाँ जी राखी डन, कुछ खिलाओगी अपनी? हेलो, हाँ हाँ खिला रहे हैं, पहले राखी तो बनवाओ शहर से। मैंने तो बनवा ली एक बार और, अब भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। साजिद चलोगे अभी कहीं? नहीं कहाँ, अभी पापा थोड़ा खा। कहाँ चलना है? बुआ 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 के घर से, बुआ देख लो। तो बंद गई है हमारी राखी और हम इतने भूखे हैं, राखी से पहले कुछ खाते नहीं है, साइड वाले लोग खा रहे हैं। अब हमारी राखी हो गई है, पापा को भी बांध ली मैंने, भाई को भी, अभी बच्चों की रह गई है, अब हम खाएंगे। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है बच्चों पार्टी का। से हाय, हैप्पी राखी, बोलो जल्दी। पापा बुआ के घर गए, बुआ से राखी पार्टी, शाम को पार्टी। आज शिल्पा की भाभी का बर्थडे भी है, आज रात को 12 बजे है, तो आज रात को हम करेंगे पार्टी। चलो मुझे भी खिलाओ एक बार। ये देखो हमारी तीन तीन बेबी सेम सेम क्लोथ्स में। वाओ, ऑल ऑफ यू आर ट्विनिंग टुडे? यस यस, मामू मामी भी ट्विन कर रहे हैं। तुम्हें भी ट्विन करना चाहिए था ना, मैं भी ट्विन करना चाहिए था ना मेरे साथ। हेलो, हाँ जी सुनते हो? हाँ कैसे करूँ ट्विन बताओ। जय जय इतने कीम के मेरे में क्लिप नहीं, कैसे होता है? मैं भी आ गई फोटो में, फिर से खुल जाता है। बहुत वाला बंदा खींचे जा रहा है मेरी फोटो। बस भाई साहब हो गई है राखी, इधर चल रहा फोटो शूट, ये देखो सब ले रहे अपना अपना कर रहे काम। कॉपियां चल रही है, हाउ 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 हाउ, कुच्ची कुच्ची मेरी कुच्ची। तो ये जैसे हमारी बुआ लेके आती थी सामान बच्चों के लिए, तो ये बुआ आ गई है राखी सामान लेकर। हाँ हाँ सबके लिए क्यूटो। सारे बच्चों को दे दिए गिफ्ट, हम करवाएंगे कुछ। गिफ्ट देने के बाद एक बहुत बुरी चीज भी तो होती है, क्या? अब खिलाओ, बैठो हमारे साथ खेलो। हम पहले फोटो खिंचवा रहे हैं सारे फैमिली वाले साथ में, आओ चलो। उसके बाद बॉयज विल गो आउट। छोटी थी उसमें आग लग गई थी, तो फिर पानी मारने आ रहा था। सही बात है, सच्चाई मेरे को पकड़ लिया था बिजली ने। नहीं मयूर भैया ने कि पानी क्यों डाल रहे हैं, सबसे यहाँ रेत पड़ी हुई है कि रेत और आग लगी, रेत उसमें डाली। ये बाल्टी लेके आया जी। तो हो गई है हमारी राखी, खा लिया हमने खाना, और ये जो बॉयज पार्टी थी यानी कि मेरा भाई साजिद और परवेज, ये लोग गए गेड़ी मारने घूमने मेरी बुआ के घर, पता नहीं क्या क्या करने। और हम लोग अब बच्चों को सुलाएंगे क्योंकि रात में जाना है हमको पार्टी में, तो अब बस मैं अभी शहर को खिला के थोड़ी देर में सोऊंगी, और एक घंटे तक मेरे ख्याल से साजिद भाई वगैरह आ जाएंगे घूम फिर के, फिर बैठेंगे उनके साथ बातचीत करेंगे। आज शहर पार्टी में नहीं जाएगी क्योंकि शहर सो ही नहीं है। ठीक है, क्यों तुमसे वेज नहीं खाया जा रहा था, नॉन वेज ले आए हो? तुम्हारे अलावा भी और लोग हैं मेरी मदद करने के लिए। सावन खत्म हो गया है, खा सकते हैं। कह रहा है, वो कह रहा है उससे मैनेजर अपने साथ वाले से शूटिंग मत करे। मैंने डिलीट कर दिया, बोले हाँ डिलीट कर दिया। हाँ बेटा पापा के हेड पे फोड़ दो, इसे बोल के दिखा रहा क्या बोला अभी अच्छा। ओके एवरीबॉडी इज लाफिंग, we are not laughing, respect. sorry, कैसे होता है बता दो, कैसे बोर्ड से जोर से बोलो और भारत माता की जय, माता की जय।
भाई माता की क्या बच्चे पैदा कर दिए हमने भाई माता के बंदे नहीं मतलब अपना बचपन गया लेकिन दूसरा बचपन तैयार है और यही सृष्टि का नियम है रूल है एक जनरेशन जाएगी दूसरी आएगी अभी तक हम जनगणमन गाते थे वंदे मातरम करते थे स्कूल में अब ये बच्चे तैयार हैं सब लोग घर पे सो गए और मैं आ गई सलोन परवेज के साथ अपना ब्लो ड्राई कराने के लिए क्योंकि पार्टी में जाना था और मैं सुबह नहीं जा पाई थी तो मैंने कहा फटाफट आके सलोन ब्लो ड्राई करवा लिया जाए तो करा लिया है मैंने अपना ब्लो ड्राई साजिद और सहर घर पे सो रहे थे तो मैं बाहर निकल आई कि ये लोग सो जाएं और ब्लो ड्राई कराया क्यों है जैसा कि आपको बताया भाभी का बर्थडे है तो बस मेरे बाल हो गए रेडी अब घर जाके रेडी होंगे मेकअप करेंगे और करेंगे पार्टी बरेली स्टाइल क्यों परवेज रेडी हैं आप पार्टी करने के लिए चलिए चलते हैं सहर को रेडी करते हैं साजिद जी को उठाते हैं चाय वाय पिलाते हैं और करते हैं पार्टी तो ये हो गई हूँ मैं रेडी ये मेरी सहर रेडी ये मेरी नायशा रेडी ये मेरी ऋत्वी रेडी और साजिद और मेरा भाई केक लेके ऑलरेडी वेन्यू पे पहुंच गए अब हम लोग भी जा रहे हैं गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अरे भाई हमारी सहर को भी तो देखो चलो फटाफट बैठे गाड़ी में और चले भाभी का बर्थडे मनाने तो बैठ गए हम लोग कार में और सब लोग रेडी हो बर्थडे मनाने के लिए कैसे विश करोगे आप मामी को और आप मम्मा को शाउट सहर कहाँ गई अब हम लोग जा रहे हैं सर कहाँ दिल्ली अभी तो नानी हाउस जा रहे हैं नानी जा रहे हैं उसके बाद हम जाएंगे दिल्ली अरे फाइन फाइन इतना मत आजो तो कल हम जाएंगे दादी पास कितना फन किया आज आपने दिल्ली के पूरे फेस पे लिपस्टिक मार और ये हैंड में क्या लिया है आपके हैंड में क्या है सर आप सर आपके हैंड में क्या है दिस इज गोल्ड व्हाट इज दिस क्या लेके आई है तुम्हें रेस्टोरेंट Lots of blue straw and one black. And the in the soft mystery. Soft mystery. तो ये सहर है इसको soft mystery है बहुत पसंद हर restaurants में लेके जाती है इसमें. Let's go. Yes. Yes. Okay. Bye bye. And it will get locked. No, no, it won't get locked. When Papa is here, why you fear? आजकल के बच्चों के ड्रामे by God. सहर तुम खुद से नहीं उतर पाती हो. पापा की पीठ पे चढ़ी हो. तो ये है बरेली की गलियां रात में हो जाता है अंधेरा हम जिस रेस्टोरेंट से निकले वो लास्ट ऑर्डर था उनका 12 बजे उसके बाद आप देख रहे हो माहौल कैसा है सुबह हो गई है भाभी की बर्थडे पार्टी और अब हम जा रहे हैं घर जाते ही मम्मा सुलाएगी अपनी जान को और करेगी पैकिंग और सुबह जाएगी अपने बाबा के पास ये पूछती सबसे एक्टिव लड़की यही रहती है पूरे टाइम और घर आते सबसे पहले इसी को सोना होता है व्हाई आर यू सो स्लीपी लिटिल सहर ऑल द टाइम बिकॉज़ आई लव बिकॉज़ आई माय लेग्स गेट टायर्ड योर लेग्स आर टायर्ड डांस करने में सबसे आगे चीजें कलेक्ट करने में सबसे आगे और सोने में भी सबसे आगे है ये बच्ची मेरी मेरी क्यूट लिटिल बेबी है ये एक बात बोलने आज मेरा भाई एक चीज बोल रहा था तेरी बेटी के अंदर एक क्वालिटी है कि कुछ नहीं आता हो ना जैसे स्टेज पे तुझे पोयम बोलनी होती थी स्कूल में कॉन्फिडेंस से गलत पोयम कैसे बोलनी है वो जो तेरे अंदर होता था ना जॉनी जॉनी नो पापा भी बोलना है तो कॉन्फिडेंस वो इसके अंदर है ये पूरा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर अब पापा के मम्मा पापा के पास कैसे है किसने दिया अल्लाह कैसे मैजिक से यार सहर अब सो जाएं सुबह हमको बाबा के पास भी तो जाना है बाबा हमेशा घर रह जाता है ही इज क्राइंग व्हाई आर यू ईटिंग माय नोज सिली
तो हो गई है रात, शिल्पा लेके आई है कोई एल्बम निकाल के, तब हम देखते हैं। ओके वन बाय वन। कौन है ये? मैं हूँ। ये पापा और शिल्पा। गायत्री। गायत्री ठीक है। ये बहुत डार्क फोटो है। नवीन और शिल्पा। शिल्पा की मम्मा और शिल्पा। तो गाइस ये टॉपिक हम किसी और व्लॉग में कवर करेंगे। ये भाई मुझे ले जाने नहीं देता, कहता है तो खो देगी, तो ये यादें जिंदगी भर वो संभाल के रखेगा। ये मेरा खोपड़ा दिख रहा है सूजा हुआ, ये मैं सीढ़ी से। ओह माय गॉड, ये मेरी मम्मी ने मेरा शूट कराया। तो गाइस ये देखो शहर कॉपी है इसकी, और बाल इसके साहिर के बाल, लोग पूछते करली कहाँ से है, तो वो यहाँ से आए हैं। और लेट मी शो यू, ये मेरे पापा और मैं, वैष्णो देवी। ये भी मैं हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा खोपड़ा सूजा हुआ, साइकिल से गिर गई थी मैं सीढ़ियों के नीचे। तो गाइस मतलब 3 घंटे हो चुके हैं, और 3 घंटों से मैं ये पुरानी एल्बम्स और फोटोज ही देख रहा हूँ। तो आई थिंक मैं शिल्पा को पिछले 14 सालों से जानता हूँ, और 14 सालों से जानता हूँ, और 2018 में हमारी शादी हुई थी, तो उसको भी तकरीबन 4 साल हो गए हैं। लेकिन मैं बरेली बहुत बार आया, बहुत बार रुका, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये मेमोरीज, ये कहानी शिल्पा को बड़े होते हुए बचपन से, इसकी मॉम, और ये मैंने कंफर्म कर लिया है कि जो इसको ये इसकी ब्यूटी मिली है वो कहाँ से मिली है। तो सी जस्ट लाइक हर मॉम, एंड मतलब मम्मी की कॉपी है ये पूरी की पूरी। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शो यू हर मॉम एट द मोमेंट, बट ये मेमोरीज हैं, और ये इतनी सारी 10 एल्बम्स में देख चुका हूँ, और ये बहुत सारी अभी निकाल के पिलाई है। 10-20 और हैं, वो अगली बार के लिए रखूंगी। तो मैं देखूंगा सारी अभी, और सारी एल्बम देखने के बाद, और हम ये सारी की सारी एल्बम्स डेली लेके जा रहे हैं, और हमने प्लान किया कि हम सारी फोटोज स्कैन करेंगे, और हम ये सारी की सारी एल्बम शहर को पास ऑन करेंगे। दीपक वैद्य रेखा 4th March 1987, ये मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एल्बम है। ये मैंने आज तक साजिद को नहीं दिखाई है, अब इस वीडियो के बाद दिखाऊंगी। इट इज़ वेरी स्पेशल, तो ये मैं हमेशा अपनी अलमीरा में रखती हूँ इसे, बट आज दिखाई जाएगी। ये देखेंगे, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स बीन लाइक 2 घंटे हो गए, और मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि मैंने इतनी सारी मेमोरीज, इतनी मेरे को नॉस्टैल्जिया हो गया, लिटरली मतलब मज़ा आ रहा है मुझे। और ये सारी एल्बम्स हम डेली लेके जाने वाले हैं, इनको स्कैन करेंगे, इनकी डिजिटल कॉपी बनाएंगे, और वो हम शहर साइड को पास ऑन करने वाले हैं। मेरी साइड की सारी एल्बम तो ऑलरेडी मैं डिजिटली स्कैन कर चुका हूँ, और एक ड्राइव पर डाल चुका हूँ। दैट्स माय मॉम एज अ ब्राइड। सी सी जस्ट कॉपी ऑफ योर्स। तो हम ये सारी एल्बम भी लेके जाने वाले हैं, इनको भी हम ड्राइव पर डालेंगे, और ये हम शहर और साहिर को पास ऑन करेंगे आगे फ्यूचर में, ताकि दे नो कि उनकी माँ कौन थी, उनके पापा कौन थे। दे विल कीप द मेमोरीज फ्रॉम देयर फादर साइड एंड मदर साइड एज वेल। तो भाई साहब बज चुके हैं सुबह के 4, और इतना सब कुछ देखने के बाद इस लड़की से मुझे हो गया है और ज़्यादा प्यार। तो मैं तुम्हें क्या देखा, लेकिन बहुत सारी आइडियाज और बहुत सारी चीजें मेरे को मिली हैं इन सबको देखने के बाद। मेरी मम्मी के शादी के पहले का नाम रेखा कट केवलानी ब्यूटी पार्लर कोर्स। देखो वैक्सिंग कैसे करते हैं, ब्लीच कैसे करते हैं, पेडिक्योर मैनीक्योर, दिस इज 1983। ओके मम्मी के नोट्स। उठ गए भाई, जब हो गए रेडी हुआ जा रहा है, निकलेंगे दिल्ली फटाफट। शिल्पा सारा बैग वैग पैक कर रही है, और तुरंत पहली फुर्सत में दिल्ली। क्या कहती हो? आधा घंटा लगेगा। चलो पैकिंग करके चलते हैं। डन। क्या सुनो, अमरोहा में बिरयानी खिलाओ। तो खिला देंगे। ठीक है, अभी फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके चल रहे हैं, ऐसे चलते ठीक। मैं नहा लूँ फटाफट। ये देखो मामू कितना बड़ा गिफ्ट लेके आया आपके लिए। और साहिर के लिए? साहिर के लिए तो कुछ भी नहीं लाए। लाए तो है। लाए तो है सुपर। पापा भी आ गए देखो। नानू भी आ गए। शहर के लिए गिफ्ट आया राखी का। इतना बड़ा? हाँ, शहर के लिए तो छोटा है। भूसा भरा है। इतना बड़ा गिफ्ट आप उठा लोगे? कौन लाया? Let's keep it on that one sofa. मेरे पापा। कौन लाया शहर? नायशा के पापा। आपके क्या लगते हैं नायशा के पापा?
चलो बाय बाय कर दो सब, चलें सर चलें, चलो बाय बाय, अच्छे से बोलो बाय। भाई साहब हो गई टाटा बाय बाय, निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। सिर्फ दो दिन का ट्रिप था, बहुत अच्छा लगा, सबसे मिले, राखी भी थी और भाभी का बर्थडे भी था, और अब जाएंगे सीधा दिल्ली और लगेंगे अपने काम में, बहुत सारे शूट्स करने हैं। तो चलो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा राखी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।